नमस्कार, ईएमएस टीवी से सनत जैन। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा में दो लोगों ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में मतदान किया था और शेष सभी सदस्यों ने एकमतें समर्थन किया था। राज्यसभा में सभी लोगों ने एनानिमस इसको पास किया है। तो महिला आरक्षण बिल पिछले 30 वर्षों से लगातार महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी, लेकिन वह अब कानूनी रूप में परिवर्तित हो गया है और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इस तरह का कानून बन गया है। लेकिन जिस तरह से इस बिल के पास होने के बाद इसमें विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है कि यह चुनावी घोषणा पत्र है जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से इसका उपयोग करेंगे। सत्ता पक्ष ये चाहता है कि हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, लेकिन वो आरक्षण लागू होगा 2029 से और उसमें आरक्षण के अंदर हम आरक्षण नहीं देंगे, मतलब ST SC OBC को आरक्षण नहीं होगा, महिलाएं कोई भी होंगी 33% उनका प्रतिनिधित्व होगा। तो सत्ता पक्ष ये कह के और चुनाव में कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, और वो ये सत्ता पक्ष का ये है कि जो काम इतने सालों में कोई नहीं कर पाया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है और उनकी कृपा से ये महिला आरक्षण महिलाओं को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी को ये आशा है कि इसके कारण उन्हें महिलाओं के वोट मिलेंगे और वो 2024 का लोकसभा चुनाव या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसके पहले इस चुनाव में जीतेंगे। अब इसी बात को लेकर विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल को अपना चुनावी मुद्दा बना रहा है। विपक्ष शुरू से कह रहा है कि इसमें जातिगत जो समुदाय का आरक्षण है ST SC और पिछड़े वर्ग का, वो आरक्षण महिला आरक्षण बिल में शामिल किया जाना चाहिए और यह व्यवस्था पंचायतों में है, जिला पंचायत जनपद पंचायतों में या ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था पहले ही से लागू है। 1991 आरक्षण विधानसभाओं में और संसद में भी लागू किया जाए, सरकार इस बात को मान नहीं रही है। दूसरा इसमें यह है कि जब परिसीमन होगा, जनसंख्या पूरी हो जाएगी उसके बाद लागू होगा, तो ये 2029 के पहले महिला आरक्षण में लागू नहीं होगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो 5 साल बाद क्या होगा इसको लेकर सरकार को समर्थन मिलेगा महिलाओं का, एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। फिर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसका विरोध किया है कि जब हमने 2010 में राज्यसभा में इसको पास कराया था तब जो है उसमें आरक्षण दिया जा रहा था और ST SC और पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना था। उमा भारती खुद भी पिछड़े वर्ग की हैं, लोक जाति की हैं, और उन्होंने खुद महिलाओं की ये लड़ाई लड़ी थी, सुषमा स्वराज जी ने लड़ी थी, कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर लड़ी थी। तो अब ये फिर से एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ही इस बात पे कि नहीं ये आरक्षण लागू किया जाए, विपक्ष इसको मंडल और कमंडल की राजनीति से जोड़ रहा है। मंडल मतलब जातिगत आधार पर आरक्षण की सुविधा, और कमंडल हिंदू धर्म, सनातन धर्म, राम मंदिर, राम भगवान राम, ये कमंडल के एजेंडे हैं, और मंडल का एजेंडा है कि जातिगत सभी जातियों का सभी समुदाय का बराबर से विकास हो, इसलिए आरक्षण हो। तो अब अगले जो भी चुनाव आएंगे तो उसमें ये मामला हिंदुत्व, राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। वहीं विपक्ष जो 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की, ST SC की और अल्पसंख्यकों की है, पिछड़े वर्ग की है, उसको अपना आधार बनाएगी इसी को लेकर हुए। विपक्ष ने अभी ये कह दिया है कि यदि ये इसी तरीके से महिला आरक्षण में लागू हुआ तो जो सामर्थ्यवान वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसी की महिलाएं
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सदस्य बनेंगी, क्योंकि फिर आम महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए उनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होंगी। तो अब एक ऐसा महिला आरक्षण बिल है जिसमें दोनों ही पक्ष इसको मान रहे हैं कि ये हमारे फेवर का है और आगे हमारे को जीत दिलाने वाला होगा। तो अब जब ये चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव के या पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, तब इसका सही पता लगेगा कि ऊँट महिला आरक्षण का ऊँट किस करवट बैठा है। तो पक्ष के पक्ष में करवट में बैठा है या विपक्ष की करवट में बैठा है, इसको लेकर बड़ी तेजी के साथ राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। बाहर पुनः राजनीति के मुख्य पदों में लाने की जो पहल शुरू हुई है उससे महिलाएं उत्साहित हैं, एग्रेसिव हैं, और अब ये मामला आगे और बढ़ेगा, ये कम होने वाला नहीं है।